इलाहाबाद में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने बनारस में हुए फ्लाईओवर आदेश के विरोध में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास पर बाहर प्रदर्शन किया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नेम प्लेट को कालिक से पोतकर अपना विरोध दर्ज किया। समाजवादी छात्र युवा जन सभा के कार्यकर्ताओं की मांग है कि फ्लाईओवर गिरने से बनारस में जो हादसा हुआ है उसका न्यायिक जाँच हो और जो भी दोषी ठेकेदार या अधिकारी हो उस पर सरकार कार्यवाही करे। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य अपने पद से इस्तीफा दें। आज हम लोग यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद में इनके आवास पे ये यूपी के उत्तर उप मुख्यमंत्री के आवास पे हम लोग आज यहाँ पे इनके धरना प्रदर्शन करने आए थे, इनके इस्तीफा की मांग करने आए थे कि जो भी बनारस में कल इतनी बुरी घटना हुई है जिसमें बहुत ही निर्दोष मारे गए, जो कि सरकार की पूर्ण रूप से इसमें गलती पता चल रही कि सरकार जिस तरह कमीशन खोरी खर करके हर आदमी की जान को एक कमीशन खोरी में बदला है, उसके हम लोग खिलाफत करते हुए उसके खिलाफ करने के मांग से लेके और हम लोग केशव प्रसाद मौर्य से इस्तीफा मांगना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे केशव प्रसाद और इनकी तानाशाही जो भी है भाजपा की जो देखी जाती है, वो पुलिस आके यहाँ पे जबरदस्ती हमें लोकतांत्रिक जो हमारा अधिकार है विरोध करने का वो हमें ना करने देने देके वो अपना लाठी चार्ज करके यहाँ पे सबको हटाए, जिसमें हमारा एक साथी हमारे साथी श्री यादव इस समय उनको पकड़ के कहाँ पे ले गई है हम लोग को पता नहीं, हम लोग पता लगाया जा रहा है। हमारा मकसद ये उनका काला हम लोग उनके ऊपर भी संभाल पा रहे, तो अपने नाम के आगे केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जो लिखे उसका हमें विरोध कर रहे हैं कि वो किसी हक के तो किसी लायक ही नहीं है, तो वो इस्तीफा दें और किसी दूसरे को मौका दें। प्रवीण तिवारी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग भी किया। इस दौरान खाकी वर्दी का मानवता को शर्मसार कर देने वाली वीडियो भी सामने आया है। ये महोदय विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को पैरों से मार रहे हैं। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में ले लिया है। अर्थ 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा।